ईडी ने अपने बड़े एक्शन का खुलासा किया है। मंगलवार को आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर जानकारी देते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि छत्तीसगढ़ के आईएएस अफसर, कोल कारोबारी और कुछ कांग्रेसी विधायकों की संपत्ति सीज की गई है। ईडी की तरफ से कहा गया कि इस मामले में अब तक 221 करोड़ के आसपास की संपत्ति अटैच की जा चुकी है। ईडी द्वारा किए गए संपत्ति अटैच विवरण के बारे में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने पत्रकार वार्ता लेकर ईडी के दावे को गलत करार दिया। पत्रकार वार्ता के दौरान विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि ईडी के अधिकारियों ने जब उन्हें नोटिस देकर रायपुर स्थित कार्यालय बुलाया था, तभी मैंने सारी जानकारियां उपलब्ध करा दी थी कि मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है। पिछली दफा जब मैं ईडी के दफ्तर गया तो इन्होंने मुझसे सवाल किए, क्योंकि मेरे नाम पे एक घर है और उन्होंने पूछा। अब वो जो सवाल जवाब थे उसको सार्वजनिक रूप से कहना उचित नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ है तो पैतृक संपत्ति जो चुनाव के भी 2015 और 18 के हलफनामे में है, वो डिटेल है। ये उसके पूरे बही खाते हैं जो पैतृक है, ठीक है, जिसमें पूरे खानदान का डिटेल है। और दूसरा, 2011 में जब मैं 21 वर्ष का था, हर परिवार की इच्छा होती है कि घर के बच्चे के लिए कुछ कर दे, तो मेरी माँ ने 2011-12 में एक घर खरीदा था, लोन में खरीदा था, जिसका लोन मेरे ख्याल से पिछले साल पूरा कंप्लीट हुआ। उस 2011-12 के घर के बेस पे ये मेरी माँ को ईडी के दफ्तर बुला रहे। साथ ही उन्होंने कहा, मेरे पास जो संपत्ति है वह पैतृक है, और जहाँ तक मेरी संपत्ति और मेरी चीजों की बात है, मेरी माँ के नाम पे एक घर है, 2011-12 में मेरी माँ ने खरीदा था, और वो भी इसके पूरे दस्तावेज है सार्वजनिक, मेरे हलफनामे में भी लिखे हुए, जब मैं चुनाव लड़ा था उसमें पैतृक है ये। और ये घर के लिए भी मेरी माँ को अगर ईडी अपने दफ्तर पे बुलाएगी तो मुझे लगता है कि देश और दुनिया देख रही है, पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है कि आज ईडी का क्या दुरुपयोग हो रहा है और किस तरीके से डराया जा रहा है लोगों को। मैं आज भी अपने स्टैंड पे कायम हूँ। जो जिस दिन 20 फरवरी को ईडी के लोग मेरे घर पे आए थे, मैंने बाहर निकल के बोला था, चुनौती दी थी कि आप हमारी गलती, हमारी कमी, हमने कुछ किया है तो उसको साबित करें, हम तैयार हैं, लेकिन ऐसे हम डरने वाले नहीं। तो मैं आज भी उस स्टैंड पे भेजो, ये मेरी माँ को बुला ले, मैं अपनी माँ के साथ जाऊँगा ईडी दफ्तर, इनके बयानों का जवाब दूंगा। हम माँ बेटे लड़ते नहीं है इससे, मैं और मेरी माँ दोनों जाएंगे, ठीक है, हम दोनों जाएंगे, इस पे बयान देंगे अपना, हम डरते। विधायक देवेंद्र यादव ने आगे ये भी कहा कि मेरे वकील ने संपत्ति अटैच के बारे में ईडी के अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने मेरी संपत्ति को अटैच करने से इनकार कर दिया। विधायक देवेंद्र यादव ने ईडी के अधिकारियों पर और भी गंभीर आरोप लगाते हुए ईडी के अधिकारियों द्वारा परेशान करने की बातें कही है। क्या आया इस ईडी के संबंध में पुष्पा देवी यादव को, जो कि मेरी माँ है, बहुत वृद्ध है, उसको ईडी के दफ्तर बुलाया गया, और ईडी के दफ्तर बुलाया गया मेरी वृद्ध माँ को। मैंने उसके बदले ईडी को एक कागज दिया कि मेरी माँ यहाँ पर नहीं है, मेरी माँ पिछले समय में पारिवारिक शादी के कार्यक्रम में अपने मायके गई हुई है, तो आने के बाद मैं माँ के साथ आऊँगा। कल रात को मेरी माँ आई है वापस, और इसकी टिकटें भी है, मेरी माँ 25 तारीख को गई और कल रात की आई है वो, और मेरी माँ को, जो इतनी वृद्ध है, उसको ईडी के अधिकारी बुलाते हैं। क्या है जो मैं अपनी पूरी बात मेरी कह रही थी, जो इतने वृद्ध महिला को बुलाने का कोई प्रोविजन नहीं है और उनको करना है, मैंने उनको लिख के दिया, अगर लेना है उनको, उनसे आपको बयान, आप मेरे घर आके ले लीजिए या मुझे उनके साथ रहने दीजिए, तब जाके मैं माँ को लेके आ जाऊंगा, क्योंकि मेरी माँ वहां पर ईडी दफ्तर में क्या करेगी, इन लोग घेर के उनसे सवाल करेंगे, कहीं पे भी अंगूठा लगाने की कोशिश करेंगे, क्या करेगी मेरी माँ, और मेरी माँ के पास भी क्या है, उस पर भी बात करना चाहता हूँ। मेरी जिस संपत्ति को अटैच किया गया है तो उसे सार्वजनिक करें। सार्वजनिक रूप से मैं तैयार हूँ कि मेरी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए ईडी को, ईडी के द्वारा, और मेरे से जो सवाल किए जाते हैं वो भी सार्वजनिक किया जाए, और मेरे से आने वाले समय में मेरी माँ और मुझे जब जब बुलाए उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी सार्वजनिक किया जाए, और मेरे पास कुछ भी संपत्ति है तो उसको डिटेल्ड, पूरी डिटेल के साथ पब्लिक फोरम में लाया जाए। मेरा ये अपील है ईडी के अधिकारियों से।
विधायक देवेंद्र यादव ने ईडी की इस ट्वीट को भाजपा द्वारा चलाया गया षड्यंत्र करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे ईडी नहीं कर पाती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही पूरी बातें बता देती है मीडिया में आके कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो वही स्पष्ट करे, ऐसा कैसे हो गया कि ईडी के अधिकारी बोल रहे हैं कि हमने कोई कार्रवाई नहीं की है, और जब होगी तो उसके पहले नोटिस दिया जाएगा, और उनका प्रेस रिलीज कहता है कि अटैच होगी संपत्ति, जबरन माहौल बना दिए। पत्रकार वार्ता के दौरान विधायक देवेंद्र यादव ने राहुल गांधी के मार्गदर्शन में और भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने की बातें कही है। इसके माध्यम से ये जानकारी आई कि पिछले समय में ईडी की जो कार्रवाइयां हो रही है उसमें मेरे नाम के साथ ये लिखा हुआ था कि संपत्ति अटैच की गई। मुझे लगता है कि कुछ कंफ्यूजन हो गया है, शायद जो ट्विटर हैंडल चलाता है ईडी का और जो ईडी के दफ्तर के अधिकारी हैं उन लोगों के बीच में संवादहीनता है। मेरे वकील ने आज जब वहां पर ईडी दफ्तर में बात की इस ट्वीट को देखने के बाद, तो ईडी के दफ्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी टेलीफोनिक चर्चा में ये कहते हैं कि कोई भी अटैचमेंट अगर होता है तो वो प्रोविजन अंडर सेक्शन 5 के तहत होता है, जो ईडी का नियम है अंडर सेक्शन 5 ऑफ प्रिविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इसके तहत कोई भी अटैचमेंट होता है और इसके लिए पहले जिसके भी किसी भी तरह की संपत्ति को अटैच किया जाता है उसको नोटिस दिया जाता है। तो शायद ईडी का जो ट्विटर चला रहा है, जो प्रेस रिलीज पीआरओ है, उसकी अधिकारियों से बात नहीं होती है, और टेलीफोनिक कन्फर्मेशन में ये हमारे वकील को ईडी के अधिकारियों ने कहा है कि ऐसा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। टेलीफोनिक चर्चा में हमें ये प्राथमिक जानकारी आई, हमने ट्विटर देखा, प्रेस रिलीज देखी, हमारे वकील ने बात की, हमारे व्यक्ति पहुंचे, वो बोले ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, और अगर ऐसी कोई कार्रवाई की जाती है तो अंडर सेक्शन 5 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत की जाती है, वो उसके लिए पहले नोटिस किया जाता है, ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया है, पहली बात। दूसरी बात की संपत्ति की, कि भाई संपत्ति अटैच हुई है, बड़ा चर्चा का विषय हो गया, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में और मीडिया में भी बयान देना आना चालू कर दिए होंगे, तो भाई संपत्ति अटैच हुई है, तो देवेंद्र यादव ने पहले भी इस बात को कहा था कि मेरे पास कोई भी संपत्ति नहीं है, मेरे पास जो भी है, जो पैतृक मेरी माँ पिताजी दादा उस समय से पूर्वजों के साथ जो संपत्ति को मैंने चुनाव में 2018 के चुनाव में 2015 के चुनाव में जो हमने दिया है वही हलफनामे के हिसाब से मैंने, मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, मैंने पहले भी कहा। मैं तो पहले इस बात की स्पष्टता चाहता हूँ, मीडिया जो रिलीज हुई है कि भाई ईडी के दफ्तर में जो अधिकारी बोल रहा है हमारे वकील को ऑफिशियली कि आपको जब भी कोई अटैचमेंट का प्रोसेस होगा, कोई कार्रवाई होगी तो उसके पहले आपको नोटिस दिया जाएगा, वो बात सही है कि जो इन्होंने ट्वीट और प्रेस रिलीज की है वो सही है? ये दोनों में ईडी के दफ्तर अधिकारी जवाब दे, फिर आगे की बात होगी, और जो भी कानून कहता है उसके हिसाब से जो हमें सहयोग करना है हम सहयोग करेंगे, लेकिन हमें हरास किया जा रहा है, हमें डराया जा रहा है, और ये आज की प्लानिंग नहीं है, ये प्लानिंग है सितंबर की है, ये आने वाले समय की प्लानिंग है। आप लोगों ने देखा है किस तरीके से वेस्ट बंगाल में, किस तरीके से कर्नाटक में, किस तरीके से महाराष्ट्र में जो दूसरे दल के पदाधिकारी थे उनको इसी तरह हरास करके, डरा के, धमका के, हर तरह के जैसे उपयोग किया गया, दल बदल में उपयोग किया गया, हर तरह से इस्तेमाल से, ये स्पष्टता चाहते हैं कि आपकी प्रेस रिलीज सही है, कि आप जो हमारे वकील को कहा गया टेलीफोनिक कंफर्मेशन है वो सही है। मैंने खुद बताया है कि भाई मेरी पैतृक घर है मेरी माँ के नाम से, मेरी माँ ने मेरे को अटैच किया, 21 साल का था मैं, 2011 की बात है, ये कागज भी आप देख सकते हैं सारे उनके पास भी है, 2018 2015 के चुनाव के हलफनामे में भी देख सकते हैं, उसमें डिटेल लगी है, सार्वजनिक है वो, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज तक ना कोई कागज मिले, ना धन दौलत मिला, ना कोई सबूत, लेकिन ठीक है चुनाव है तो अब तो ये आदत सी हो गई है चुनाव समय में ऐसा देखना और झेलने का, और दुखद ये है कि स्पष्टता नहीं है। अगर अटैच भी कर रहे हो, ये 2011 का मकान मेरा मौलिक अधिकार है,
अगर मेरे नाम को किसी जगह से जोड़ा जाता है और उसकी स्पष्टता, और मैंने मीडिया में आने के पहले ईडी के दफ्तर में बात की है, ऑफिशियली बात की है, मेरे वकील ने बात की है, मैं आपको सार्वजनिक रूप से उसको कमेंट कर रहा हूँ कि मेरे वकील ने बात की है, उसको स्पष्ट रूप से पूछा है कि भाई ऐसी कोई कार्रवाई की गई है क्या। अगर ऐसी कोई कार्रवाई की भी गई रहती तब भी मैं अपनी बात रखता, ठीक है, लेकिन वो खुद ही नहीं जानते कि कोई कार्रवाई हुई है और ट्वीट होते जा रहे हैं। जैसे विधायक साथी का नाम हमारे एक है, सबको परेशान किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है, जानबूझकर किया जा रहा है, और सब जानते हैं ये एक षड्यंत्र है और दबाने की कोशिश है। लेकिन इस प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में और हमारे राहुल गांधी जी के कुशल मार्गदर्शन में हम लोग वापस सरकार बनाएंगे। ये ईडी के डर से छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़िया स्वभाव नहीं डरेगा। हम लोग अपने चीज पे स्पष्ट है और लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और इस तरीके का जो भी नैरेटिव बनाया जा रहा है वो सरासर गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। इस सरकार में काम करने वाले कार्यकर्ता है, सभी लोगों को इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। लेकिन देखिए, हम तो लौह नगरी से आते हैं, तब तब के लोहा बनता है यहाँ से, तो लौह नगरी की शक्ति और मिनी भारत की शक्ति हमारे साथ है। हम डरने वाले नहीं है, इनको जो करना है वो कर सकते हैं। हम हर तरह की जांच के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, और हम सहयोग भी कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं अपनी माँ को भी लेके जाऊंगा ईडी दफ्तर, मैं कहाँ पीछे हट रहा हूँ। की सरकार को कमजोर किया जाए और जो छत्तीसगढ़ के नेता हैं उनको उनको परेशान किया जाए, उसके लिए काम किया जा रहा है। इससे हम डरेंगे नहीं। इसको भी अटैच कर लिए होंगे तो उसका भी ये बता नहीं रहा अटैच किए तो क्या अटैच किए तो पता ही नहीं है ना। मेरे घर से कोई सोना लेके गए, ये मैंने तो अपने पत्नी के लॉकर का भी की दे के रखा है उसको, उसको भी आके चेक कर दिए, चेक कर लिए उन लोग, इसके बाद वापस बंद करके चले गए, ठीक है। मेरी पत्नी के पास भी ऐसा कोई सोना नहीं है, तो किस बात का? ये तो बदनाम कर रहे हैं, ट्विटर हैंडल से बदनाम कर रहे हैं। मैं सीधा बोल रहा हूँ, अगर अगर मेरे ऊपर कुछ होता रहता तो ईडी का अधिकारी बोलता ना, मेरे को अंडर सेक्शन 5 के तहत मेरे को नोटिस भेजा जाता ना। ये तो बदनाम करने की कोशिश है, हम क्यों डरेंगे इनसे? और है तो स्पष्ट करें। और अगर ये मेरा 2011 का घर भी अटैच कर रहे हैं तो भाई उसको कानूनी तरीके से करो ना, मेरे को पहले नोटिस दो, ऐसे कैसे कर सकते हो? और ये तो बात की बात है। सबसे पहली बात ये है कि मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूँ, ईडी के अधिकारी कंफ्यूजन में, ईडी के अधिकारी कंफ्यूजन में, पीआरओ डिपार्टमेंट बोलता है कि अटैच हुआ है, उनका ऑफिस कहता है कि कैसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।